बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर 20 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए उनके चैरिटी ट्रस्ट द्वारा विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। ऐसे आरोपों के बाद सोनू सूद ने आज पहला पोस्ट किया है। सोनू सूद ने कहा है, आपको हमेशा अपने हिस्से की सच्चाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती, समय सब बता देता है। सोनू सूद ने जिस तरह ये पोस्ट लिखा है उसे देखकर इसे टैक्स चोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। सोनू ने आगे लिखा, मैं पूरी ईमानदारी से देश के लोगों की मदद कर रहा हूँ। मेरा फाउंडेशन लोगों की जिंदगियां बचाने और जरूरतमंदों की मदद करने को तत्पर है। मैं बीते 4 दिनों से कुछ मेहमानों की सेवा में व्यस्त था, इसलिए आप लोगों की मदद ना कर सका। अब मैं आप लोगों की मदद के लिए आ गया हूँ। इसके साथ ही सोनू ने एक कोट लिखा, कर भला हो भला, अंत भले का भला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक सोनू सूद को फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा मिलता था उसमें से काफी पैसा उन्होंने अपनी इनकम ना दिखाकर कई फर्जी कंपनियों के जरिए अनसिक्योर्ड लोन दिखाया है। विभाग का दावा है कि अब तक की जांच के दौरान 20 ऐसी कंपनियों का पता चला है जिनसे सोनू द्वारा अनसिक्योर्ड लोन दिखाया गया है, जबकि यह पैसा उनकी अपनी कमाई का था। विभाग के आला अधिकारी के मुताबिक जब इन शैल कंपनियों के कर्ता धर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने शपथ पत्र के जरिए स्वीकार किया कि उन्होंने सोनू सूद को बोगस एंट्री दी थी। अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम टैक्स चोरी का पता चल चुका है। फिलहाल सामने आकर सोनू सूद ने ऐसे आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया।